नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा ललितपुर पुलिस बल व अर्धसैनिक बल के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ मतदाताओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत क्रिटिकल संवेदनशील पोलिंग बूथों व मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन किया गया है। एसपी द्वारा थाना कोतवाली के सदन शाह के मजार में घुसियाना मस्जिद जेल चौराहा अजीतपुरा महावीरपुरा रावरपुरा मौठाना इमाम चौक आदि जगह जो है भ्रमण किया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक द्वारा हजरत बाबा शहंशाह उर्स मेला की तैयारियों का जायजा लिया गया। विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी बाबा सदन शाह उर्स मेला आयोजन दिनांक 31/3/2024 से 4/4/2024 तक प्रस्तावित है। संपूर्ण मेला परिसर में भ्रमण किया गया है। उर्स कमेटी आयोजकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना गया। आयोजकों से मेला को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने हेतु अपील की गई है। उर्स मेला में लोगों की भीड़ के दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्षेत्राधिकारी स्तर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटियां लगाने हेतु समय समय पर ड्यूटी चेक करने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। धारा को धरातल पर लाने के लिए कार्य करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र नारायण शर्मा जी का शुक्रवार को स्वाक्सिमस निधन हो गया। प्रेस क्लब के संरक्षक पद पर रहते हुए कई गंभीर मोर्चों पर लेकर जिले में पत्रकारिता की दिशा और दशा दोनों तय रखने और अपने हसमुख स्वभाव से सभी के हृदय में राज करने वाले महान समाज सेवी पंडित सुरेंद्र नारायण शर्मा के अंतिम संस्कार निधान की खबर सुनकर शोक लहर मानो करंट की तरह पूरे जिले में दौड़ गई। उनके चिंतकों, समाज सेवियों, राजनेताओं, व्यापारियों, अधिकारियों, पत्रकारों, अधिकारियों का जमा बड़ा उनके आजादपुर आवास पर लग गया। लंबे समय तक पत्रकार रहते हेतु उन्होंने सदैव जिले के विकास और उन्नति को लेकर ही कार्य किया। पत्रकारों व प्रशासन के बीच जब भी कोई मतभेद हुआ तो ऐसी परिस्थितियों को भी आसानी से संभालते हुए दोनों ओर से पहल करते हुए जिले में समरसता कायम रखने का काम। पुलिस द्वारा 920 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित किया गया गिरफ्तार व 5000 लीटर लहन मौके पर किया गया नष्ट। अभियुक्त गुण महेंद्र कबूतरा पुत्र लखन कबूतरा उम्र 22 वर्ष, प्रमोद पुत्र पाल कबूतरा उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी गण गिराहार कबूतरा डेरी थाना कोतवाली। ललितपुर में ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा संस्थान महरौनी के तत्वावधान में ब्राह्मण महामंडल विधानसभा क्षेत्र महरौनी का होली मिलन समारोह कस्बा महरौनी के टीकमगढ़ रोड स्थित वाजपेयी मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। होली मिलन समारोह में अतिथियों के क्रम में सांसद अनुराग शर्मा, राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, श्याम सुंदर सिंह परीक्षा, गंधर्व सिंह बाबूजी, प्रताप नारायण दीक्षित, अजय पडौरिया, निखिल तिवारी, जयशंकर द्विवेदी, शोभा राम नायक, रामेश्वर प्रसाद रिशारिया, जगदीश विड़थरे, पुरुषोत्तम नारायण तिवारी, गिरजा शंकर दुबे, श्री प्रकाश दीक्षित, राम विलास कटारे, सुधीर त्रिपाठी एवं प्रेम शंकर तिवारी मंचासीन। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।